चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इज 1458 अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। देखिए कैसे करना है, पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो नंबर आपको दिया है 1458, आप इसको क्या करेंगे, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमें यही करना है, ठीक है? तो चलिए करते हैं। 1458, ठीक है, इसके हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 2 4 1 कैरी, सो 2 9 18, 7 2 9 ऑड नंबर है, 9 2 11 11 7 18, 3 से जाएगा हमारा क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में आता है, 3 2 6 1 कैरी, 3 4 12, 3 3 9, 4 5 6 7 8 9, दोबारा 3 से जाएगा ये, ठीक है, 3 8 और 3 1, अब 3 से जाएगा दोबारा, 3 2 और 3 7, अब 3 से जाएगा 3 9, 3 से जाएगा 3 3 और 3 से जाएगा 3 1, ठीक है। चलिए तो ये हमने निकाल लिया इसके फैक्टर्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1458 कितने हो गए, 2 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब देखिए पेयर पेयर पेयर, सबका पेयर बन रहा है ना, सबका क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, एक का नहीं बन रहा, 2 का। सो हमसे पूछा गया था कि 1458 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर 1458 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसका हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है 1458 का, स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है, मतलब जैसे जो 1458 के टेबल में आता हो हमें वो निकालना है, समझ में आ गया, हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल निकालने के लिए क्या होगा, मान लो 451 कितना होता है, 1458 होता है, ठीक है, सो 1458 कितना होता है, 2 से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो और आगे बढ़ जाएगा। अब आप खुद दिमाग लगा के बताइए, जब आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है तो यहाँ पर आपको 2 को हटाएंगे या एक और 2 ऐड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, अगर आपने डिवाइड कर दिया तो फिर अगर आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पे तो 2 तो हट जाएगा, और 2 हट गया तो ये जो इसका जो मल्टी इसका ये जो पूरे फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1458 से भी कम हो जाएगा। तो जब कभी आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना हो ना इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आपको जो है जो अनपेयर्ड है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, नॉट डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, हेंस 1458 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। चलो ये तो हमने पहला काम कर दिया, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम बोलेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर We must multiply it by, ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेनी है, किससे करना पड़ेगा, 2 से, hence 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6 6 थे ना, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो ना ये 2 आप आगे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, पेयर पेयर पेयर, और ये भी हमारा हो गया पेयर, राइट। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए हमने इसमें 2 ऐड करा है ना, तो 2 ऐड करने से पहले ये कितना था, ये था हमारा 1458, हमने इसमें 2 और ऐड कर दिया तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16 6 1 कैरी, 2 5 10 11 1 कैरी, 2 4 8 9, 2 1 2 9 1 6 आ गया, क्या आ गया हमारा, 2 9 1 6, हमारा कितना हो गया, 2 9 1 6। आगे इसने क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, सो 2 9 1 6 जो न्यू नंबर आया इसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो ऐसे कर देंगे, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। सो 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, तो इसके ऊपर भी हमारा स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ये बाहर 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 बाहर,
टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, टू थ्री जै सिक्स और थ्री थ्री जै नाइन, सिक्स नाइन जै फिफ्टी फोर है ना। सो 54 जो है स्क्वायर रूट है, 54 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2916 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इज 1458 ए परफेक्ट स्क्वायर, हमने कह दिया नो, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458। तो ये जो न्यू नंबर आया ना, यही स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 कितना है, 2916। ठीक है, ये हो गया 2916। इस आंसर को यहां से हटा देते हैं एंड में लिख देंगे 2916। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, हमने इसका न्यू नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल दिया। ठीक है ना, चलिए कितना आ गया, यहां पे आप लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, एंड में आपने क्या करा, आपने सब कुछ अच्छे से लिख के बता दिया, ये हो गया 54। यहां पे लिख दीजिए आप आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरा कंप्लीट।